हेलो फ्रेंड्स, आज हम टूलबॉक्स में से मार्क्यू टूल के बारे में जानेंगे। टूलबॉक्स में जो सेकंड टूल होता है वो मार्क्यू टूल होता है। इसे सेलेक्ट करने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सेलेक्ट करता है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो मार्क्यू टूल के कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, सेकेंड है इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, और थर्ड है सिंगल रो मार्क्यू टूल, फोर्थ है सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। लेकिन अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। आप यहाँ पर देखेंगे कि रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और इलिप्टिकल मार्क्यू टूल दोनों की शॉर्टकट एम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम एक बार यहाँ पर इन दोनों शॉर्टकट को यूज करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने ग्रे बैकग्राउंड पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ पर टूल बॉक्स में देखेंगे कि रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल सेलेक्ट है। लेकिन अगर हम कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ एम प्रेस करते हैं तो आप टूल बॉक्स पर ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं इसने जो है इलिप्टिकल मार्क्यू टूल को सेलेक्ट किया है। और अगर हम फिर से रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड से फिर से शिफ्ट के साथ एम प्रेस करेंगे। तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ एम प्रेस करके रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और इलिप्टिकल मार्क्यू टूल को इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक बात का और ध्यान देंगे। अभी आप देखेंगे टूल बॉक्स में रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल सेलेक्ट है और ऑप्शंस बार पर आप देखेंगे कि रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। देन स्टार्टिंग में हमें रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का टूल भी डिस्प्ले है। अगर हम यहाँ पर शिफ्ट के साथ एम प्रेस करते हैं तो अब यहाँ पर जो है टूल बॉक्स में इलिप्टिकल मार्क्यू टूल सेलेक्ट हो गया है। देन जो ऑप्शंस हैं वो सेम ही हैं, बस यहाँ पर स्टार्टिंग में इलिप्टिकल मार्क्यू टूल का टूल चेंज हो गया। मींस रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और इलिप्टिकल मार्क्यू टूल दोनों के ऑप्शन सेम है। अब हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और इलिप्टिकल मार्क्यू टूल दोनों का यूज करके देखते हैं। हम एक बार यहाँ पर शिफ्ट एम प्रेस करते हैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल के लिए। देन यहाँ पर अब हम एक इमेज ओपन करते हैं जिसके लिए हम अपने ग्रे बैकग्राउंड पर डबल क्लिक करेंगे। ओपन का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ से हम एक इमेज ओपन करते हैं। सपोज हम यहाँ से इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। इमेज ओपन करने के बाद हम यहाँ पर एक बार अपनी इमेज को जूम कर लेते हैं ताकि हम प्रॉपरली इसे रेक्टेंगुलर या इलिप्टिकल मार्क्यू टूल की हेल्प से सेलेक्ट कर सकें। हम इसे एक बार जूम कर लेते हैं। देन हम टूल बॉक्स में से रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सेलेक्ट करते हैं। अब सपोज हम यहाँ पर इस रेड वाले ब्लॉक को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही हमने रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सेलेक्ट किया है आप देखेंगे कि प्लस का आइकन हमें डिस्प्ले हो रहा है। आप जहां से भी अपने ब्लॉक को सेलेक्ट करना चाहते हैं पहले अपने माउस को वहां लेकर जाएंगे, देन लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो ब्लॉक है वो सेलेक्ट हो रहा है। हम जो है इस टाइम माउस को ड्रैग कर रहे हैं। सेलेक्शन कंप्लीट होने के बाद आप अपने लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज कर देंगे तो आप देख सकते हैं इसने जो है रेड वाले ब्लॉक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। हम यहाँ पर एक बार कंट्रोल एन प्रेस करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए। हमारी न्यू फाइल यहाँ पर ओपन हो गई है। हम फिर से अपनी इमेज पर चलते हैं। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो हमने यहाँ पर रेड ब्लॉक सेलेक्ट किया है उसे हम कॉपी करके अपने न्यू डॉक्यूमेंट पर मीन्स न्यू फाइल पर पेस्ट कर सकें। हम यहाँ पर कंट्रोल सी प्रेस करेंगे कॉपी करने के लिए। देन अपनी फाइल पर चलते हैं और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल वी तो आप देखेंगे जो रेड ब्लॉक हमने वहां सेलेक्ट किया था वो हमारी न्यू फाइल पर पेस्ट हो गया है। हम फिर से अपनी इमेज पर चलते हैं। अगर आप यहाँ से सिलेक्शन को हटाना चाहते हैं मीन्स आप इसको डीसेलेक्ट करना चाहते हैं, आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो ये हमारी सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करता है। हम फिर से अपने इस ब्लॉक को सेलेक्ट करते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने अपने इस ब्लॉक को बिगनिंग से सेलेक्ट करना स्टार्ट नहीं किया है। आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा पोर्शन जो है वो सेलेक्ट नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके रखेंगे। आपको सिलेक्शन दोबारा से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप कीबोर्ड से सिंपली स्पेस बार की को प्रेस करेंगे, लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके रखेंगे, देन अपनी सिलेक्शन को ड्रैग करेंगे। आप देखेंगे कि हमारी सिलेक्शन जो है वो ड्रैग हो रही है और आप क्या करेंगे अपनी सिलेक्शन को बिगनिंग पर ले जाएंगे जहां से भी आप इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं। देन आप यहाँ पर स्पेस बार की को रिलीज करेंगे और सिलेक्शन को ड्रैग कर लेंगे।
तो इस तरह से अगर आपका कोई पोर्शन रह जाता है सेलेक्ट होने से, आप स्पेस बार की को प्रेस करके अपनी सिलेक्शन को वहां पर मूव कर लेंगे और देन अपनी सिलेक्शन को फिर से कंटिन्यू कर लेंगे। सिलेक्शन डीसेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर टूल बॉक्स में सेकेंड टूल है मार्क्यू टूल में, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, हम इसे सेलेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर इस सर्कल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जहां से भी आप सर्कल को सेलेक्ट करना चाहते हैं वहां माउस को ले जाकर लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करेंगे और लेफ्ट माउस बटन को प्रेस रखेंगे और ड्रैग करेंगे और जहां तक सेलेक्ट करना चाहते हैं वहां पर लाकर लेफ्ट माउस बटन को रिलीज कर देंगे। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो सर्कल है वो प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से स्पेस बार की को प्रेस करेंगे, देन अपनी सिलेक्शन को अपने अकॉर्डिंग ड्रैग कर लेंगे, मीन्स मूव करेंगे। अब हम यहाँ पर स्पेस बार की को रिलीज कर रहे हैं और अपने लेफ्ट माउस क्लिक को ड्रैग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा सर्कल है वो प्रॉपरली सेलेक्ट हो गया है। हम फिर से एक बार स्पेस बार की को प्रेस करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं अपनी सिलेक्शन को, और अपनी सिलेक्शन को थोड़ा सा और ड्रैग करते हैं। हमने जो है यहाँ पर अब लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज किया है, आप देख सकते हैं जो सर्कल है वो सेलेक्ट हो गया है। हम चाहते हैं कि ये हमारी न्यू फाइल पर पेस्ट हो जाए, तो हम कंट्रोल सी प्रेस करेंगे यहाँ पर कॉपी करने के लिए, देन यहाँ पर अपनी न्यू फाइल पर चलते हैं और यहाँ पर प्रेस करेंगे हम कंट्रोल वी। तो आप देखेंगे कि जो हमारा सर्कल है वो हमारी फाइल में पेस्ट हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर से हम अपनी इमेज पर चलते हैं, सेलेक्शन को डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। तो इस तरह से आप रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और इलिप्टिकल मार्क्यू टूल का यूज कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें अपनी फाइल्स पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स।